दाड़ भाई एक बार दाड़ दे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग। सो आज हम जाने वाले हैं जू पर। हमने प्लान तो कर लिया था कि हम निकल जाएंगे अभी अभी। वैसे भी कितने बजे हैं अभी? 8:57 हो चुके हैं, पर अभी अभी मैं उठा हूँ और जो हमारे जो पार्टनर है, जो मेरे दोस्त है जिगरी यार, वो उठ चुका है ऑलरेडी और नहा भी चुका है और रेडी भी हो चुका है। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा, अभी तक मैं वैसा ही हूँ। अभी मैं 2 मिनट पहले उठा हूँ और वो 1 घंटे से उठा है। उसका अभी दिमाग खराब हो रहा होगा कि भाई क्या कर रहा है ये, अभी तक फोन नहीं उठा रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो गाइस रेडी होते जल्दी, ठीक है? रेडी होने के बाद मिलते हैं। तो गाइस ऐसा है कि सट्टी के साथ हो गया स्कैम, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट निकल रहा हूँ एंड वो अभी तक पहुँच गया है मेट्रो स्टेशन, अभी तक पहुँच चुका है और फ़ोन भी कर रहा है मेरे को, ठीक है? तो देखते हैं आगे जाके होता क्या, क्या सुनाता है वो मेरे को। हम बच गए हैं भाई, 10 मिनट लेट हुए हैं पर जल्दी पहुँच रहे हैं, वरना वो सुनाने वाला था मेरे को। वैसे भी सुनाएगा, लेट तो हो ही चुका हूँ मैं। वो खड़ा है दिख रहा है। और भाई क्या हाल है? बढ़िया, तुम बताओ? बढ़िया 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 भाई। चलो चले, कहाँ से रूट पता है ना तेरे को? यार एक चीज बताओ यार, थोड़ा कलोल हो गया है। क्यों, क्या हो गया? मेट्रो मैप में हाँ दिखा रहा, प्रगति निदान का मेट्रो स्टेशन ही दिखा रहा है। तो फिर नेट में सर्च करके देखना, खान मार्केट का दिखा रहा है। अब इसके बाद फिर हमें वहाँ से बदलनी पड़ेगी। कहाँ से? बुलेट लाइन निकलनी पड़ेगी वहाँ से। मैंने कहा यार ये पंगा बहुत हो गया। अबे तो तेरे को पहले देखना चाहिए था ना। अभी देखा मैंने, नीचे देख लेते हैं भाई। तेरे को देखना चाहिए था ना आने से पहले। अब क्या आके देख रहा है यार, तेरे को रास्ता ही नहीं पता भाई। बंदे बोल रहे हैं जो उस दिन रात को मैंने बता दिया था, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि नहीं देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब बोल रहा खान मार्केट से करना है, इस मार्केट से करना है। अब भाई नींद भाई, सुबह सुबह उठ गई। तेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि यार इधर से एग्जिट है, जब दिख रहा है तेरे को यहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ है, इधर से निकलना है तेरे को। मैं बोल रहा हूँ तेरे को जाके पूछना दूसरे से। हाँ बस कई साल बाद आया ना मैं। अंकल देख रहे हो यहाँ पर? अंकल को लग रही है क्या कर रहे हो? हाँ बोलो और बता कौन है ये लोग? तो हाँ, तो चिड़िया घर जा रहे थे ना, पहले एक देख लो। बंदर? बंदर नहीं, गोरिल्ला। गोरिल्ला नहीं, क्या गोरिल्ला नहीं, हिप्पोपोटामस। हाँ हिप्पोपोटामस। हाँ लाइव एग्जांपल देख लो पहले। देखो हमारे टाइप के बहुत सारे वहाँ मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, आप बस देखते जाओ। इसके टाइप के भी मेरे टाइप पे भी, सबके टाइप। मैं तो मैं ही हूँ यार। ऐसा है, ऑटो वाले पहले मांग रहा था 80 रुपये मांग रहा था पहले, ठीक है? फिर मैं 80 रुपये में चलने के लिए तैयार था, फिर मैं ऐसे ऐसे टहल रहा था, टहलते उसको लगा होगा शायद कि वो छोड़ देगा, ठीक है? मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं उतने रुपए में नहीं जाऊँगा। तो उसने ना उसी वक्त में दो मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड में उसने बोला भाई 50 रुपये में चल लो। मतलब भाई बताओ भाई, मतलब दो जने 50 रुपये में जा सकते हैं, मतलब ये है एग्जैक्ट प्राइस जो भी है। मतलब जो पहले बता रहा था वो वैसे ही बता रहा था। मतलब यार लूटने का पूरा धंधा स्टार्ट करते हैं भाई, कसम से भाई। अगर दिल्ली जू में आ रहे हो ना, तो पहले ही बोल देता हूँ कि टिकट ऑनलाइन बुक होता है, ऑफलाइन का कोई फैसिलिटी दिख नहीं रही है, ऑनलाइन ही बुक होगा जो होगा, ठीक है? तो पहले से बुक कर लेना। सो गाइस यहाँ पर जो बुकिंग करने का सिस्टम है ना, वो समझ नहीं आया भाई, बहुत बेकार सिस्टम है। मतलब क्या बोलूँ भाई, बुक करो, पेमेंट गेटवे में भी भाई कोई ऑप्शन नहीं है और काफ़ी स्लो चलता है भाई साइट। इनको थोड़ा वर्क करना चाहिए यार, बड़ा दिक्कत हुआ खासकर ऑनलाइन बुकिंग करने में। यार कोई QR दे देते यार, जहाँ से साइट खुल जाता, साइट टाइप करना पड़ रहा है भाई। टाइप करने के बाद भी भाई पेमेंट गेटवे इतना स्लो भाई, पहले पैसे कट जाता है, फिर टिकट आता नहीं है, फिर भाई ईमेल आता है यार, ये बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। कोई बंदा परेशान हो जाए यार, घूमने आया फालतू में, इतना झमेले है भाई। भाई तू स्पीकर क्यों लाया था भाई चिड़ियाखाना में? अरे बैग में पड़ा था, मुझे याद नहीं, मैंने कहा चलो निकाल लेता, उन्होंने जमा करवा दिया। कोई नहीं, ऐसा है ना भाई, हमें पकड़ लिया था भाई सिक्योरिटी में, और भाई हो गया हमारे साथ। खरी खरी खोटी सुना। अरे कहना क्या चाहते हो दी भाई? अरे कोई नहीं, स्पीकर लाने की क्या जरूरत थी भाई? कोई नहीं, हो गया यार, चलो कोई टेंशन नहीं। स्पीकर नहीं आ रहा, हाँ लैपटॉप ला सकते हो जी, कोई टेंशन नहीं है, बस स्पीकर नहीं लेके आता। तो लैपटॉप का भी काम क्या है चिड़ियाखाना में? अभी एडिट कर रही है तू? कोई नहीं, एडिट कर लेंगे। तो मानचित्र है यहाँ पर, जितना भी मतलब जितने भी एनिमल्स रह रहे होंगे, शायद उनका पूरा मैप बना हुआ है कि कहाँ से कहाँ कहाँ पर है। तो ऐसे थे हिरन देखने लायक नहीं। भाई यहाँ पर एक मतलब आंटी थी, वो बोल रही हिरन देखने लायक है, इतना बड़ा हिरन है, इतना बड़ा सींग है, उनको पता नहीं है, बहुत दूर है, दूर से दिख रहा है, इनको लग रहा है कि वो हिरन है, वो हिरन नहीं है, वो नील गाय है। चलते हैं, चलते चलते देखते हैं। एक एक चीज आपको दिखाते रहेंगे। हाँ एक एक चीज दिखाएंगे भाई,
व्लॉग में बने रहो, मजा आएगा भाई आपको। व्लॉग देखने वाले बोलेंगे भाई तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी भाई। जहाँ तक मेरे को पता ना सुबह सुबह के टाइम में खाना तो देते नहीं है भाई, शाम के टाइम में देते हैं एंड फिर भी दिख नहीं रहे, बहुत कम मतलब बहुत कम ही दिन दिख रहे हैं। ये भी पूरा खाली है, दिख नहीं रहा भाई कहाँ पर है भाई। जहाँ पर देखने को मिलना था वहाँ पर तो नहीं दिख रहा, पर जंगलों के अंदर दिख रहे हैं भाई। मोर बोनेट मैक्यू, इसका हैबिट ह्यूमन जैसा है थोड़ा बहुत। तेरे को ही दिख रहा है भाई, बुलाना तेरे प्रजाति के है ना, बुला तेरा भाई भी तो है, बुला। मेरे प्रजाति की नहीं है, मेरे प्रजाति तो दूसरे थे। अच्छा काले वाले, काले वाले। अंकल ने थोड़ा बूस्ट अप कर दिया भाई, बोल रहे हैं कि भाई अंदर सब कुछ है, जाओ अभी 3-3.5 किलोमीटर अभी है, अंदर तो सारे दिखेंगे, अभी कुछ दिखे नहीं है और सुबह का टाइम है, तो बोल रहे छोड़ नहीं रखा। पर यार सुबह का टाइम है, बोल रहे हैं सुबह का टाइम है यार, सुबह के टाइम में ही तो भाई निकलते ही है, सुबह के टाइम में सोते हैं क्या भाई ये? क्या सुबह 8 बजे नहीं ना, 11 बज रहे हैं। अबे सांभर इडली क्या बोल रही है, सांभर भाई ये नाम है। आजा। इससे नितेश ने वही गलती की जो पहले मतलब पिछले बार भी की थी, पानी लाया नहीं, लाया नहीं, बस मैं पानी नहीं ले गया। और 3.5 किलोमीटर अभी घूमना है, चलना है भाई। ये क्या दिखाने के लिए खोल रखे हैं यार, अजीब बात है यार, सारे बंद पड़े हैं पीछे पीछे, ये सब बंद पड़ा है, सब बंद पड़ा, ना इंसाफी इतनी हो रही है। ब्लैक बर्ड, वाओ एक है ये कॉमन प्लम सिविट, अरे कैट का कुछ, कैट का स्पीशीज होगा ना, ना चूहा नहीं है यार कैट का। भाई आजा यार थोड़ा तो फुटेज दे दे यार, आजा आ तेरे पास ही जा रहा है, तू बुला, तू बुला तेरे पास है। अबे पता है उसको भाई, उसको पता है ना, तू तो है भाई। सही बात है यार, ये तेरे पास बार बार आ रही है भाई, है भी इसमें या नहीं है, अंदर घुसा हुआ है, नहीं है ये भी नहीं है सर, चल नहीं है नहीं है। तेरे को पता है लोमड़ी, लोमड़ी को क्यों नहीं पालते कोई, लोमड़ी भी तो कुत्ते की प्रजाति होती है, बताइए क्यों? कैसे तेरे को ये नहीं पता? नहीं भाई सही बात है, तेरे को ये नहीं पता लोमड़ी को क्यों नहीं पालते? नहीं भाई लोमड़ी के पीछे स्टोरी ये है भाई, लोमड़ी जो है ना वो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है उसको। इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है उसको, गुलामी नहीं करना होता, तो मतलब उसकी सोच ऐसी होती है कि अगर तुम उसको कितना भी खिला दो कितना भी पिला दो भाई, हाँ। वो कभी भी मतलब क्या बोलते हैं वफादार नहीं होता, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट रहना पसंद होता है, पिंजरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता किसी गुलामी, उनका मतलब बिहेवियर ही ऐसा होता है, मतलब जितना भी खिला लो जितना भी कर दो भाई वो उसके मालिक को फाड़ के खा जाएगा। ये भी सुना है कि लोमड़ी चलाक होती है। शाबाश। चलो अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद ही यार, थोड़ा थोड़ा मजा तो आ रहा है, कुछ दिखने को तो मिल रहा है, शुरुआत में तो भाई कुछ दिखने को नहीं मिल रहा। चलो भाई अभी बाकी है, देखते हैं अभी कितना दिखता है और कितना मिलता है हमें, ठीक है? चलो बस एक ही है, मतलब एक ही राइनोसोरस भाई, ये तो बैठ गया भाई, ये तो तेरी तरह ही है भाई, तू भी आलसी भाई, मैं भी आलसी, ये भी आलसी, हाँ अच्छी बात है ये, वाह खुश होकर तो ऐसे बोल रहा भाई, कौन सा बहुत बड़ा अवार्ड जीत ले, आराम करना बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा अरे वो उसको आराम बढ़िया लग रहा है, एक एक किलोमीटर भी अभी ढंग से नहीं, 1.5 किलोमीटर भी नहीं हुआ अभी तक, इसका इसका अभी सही फटके 4 हो रहा है। जैसे कि तू है पकाओ, ये है मकाओ, नीली पीली मकाओ, लाल लाल मकाओ।
शांत बैठे हैं भाई, बिल्कुल शांत। उजाले उजाले ऊपर ऊपर ऊपर, क्या बोलने वाले, ज्यादा मिट्ठू पाए जा रहे हैं, बोलने वाले हैं सिखाना पड़ेगा। अबे जरा पूरा बैठा है, बिल्कुल पास में बैठा है। वाओ, सो रहा है, बैठा हुआ है। दो दो बैठी हुई, वो देखो उधर। अब जाके मजा आया, कुछ फ्रेंड आया उधर। अब जाके, अब जाके सच में कुछ दिखने को मिल रहा है भाई, सही में। अब चल रहा है ना, अब थोड़ा मजा आ रहा है ना। दाड़ भाई, एक बार दाड़ दे, दाड़ दिया। भाई ऐसा है ना, तो हम उड़ीसा जा रहे थे, तो उड़ीसा में जाते वक्त ना हाईवे में ऐसे ऐसे जगह पड़ते हैं जहाँ पर एलिफेंट जोन होता है, ठीक है, मतलब एलिफेंट कभी भी जाने लग जाता है, ठीक है। अच्छा। वो उनकी मर्जी है भाई, वो कभी जा सकते हैं। तो हाईवे मेरे को तो पता नहीं था, तो मैं अपने मामा के साथ गया था, तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि मतलब क्या होता, सारे गाड़ी रुकने लगे एकदम हाईवे में।